नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा आठवीं विषय हिंदी प्रथम घटक चाशनी या प्रथम घटक कसौटी। कुल 20 अंकों के लिए यह कसौटी है। प्रश्न पहला, अ परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक राजा था, उसकी चार बेटियाँ थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। पहली कृति है आकृति पूर्ण करो। यह 2 अंकों के लिए है और आकृति है गेहूं के दानों का उपयोग। पहली बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन और नीचे कुछ आकृतियां हैं जिनमें हमें यह उत्तर लिखने हैं। दूसरी कृति उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। 2 अंकों के लिए। एक, इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। दूसरा, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तीसरा, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। और चौथा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तीसरी कृति, उसमें पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए 1 अंक के लिए। पहला शब्द है बाहर और दूसरा मांगना। तीसरी कृति में दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए 1 अंक। इसमें पहला शब्द है तनिक और दूसरा शब्द है मकसद। चौथी कृति है, ढेर सारा गेहूं कैसे तैयार हुआ, यह प्रश्न 2 अंकों के लिए है।
दूसरा विभाग है पद्य विभाग। प्रश्न दूसरा, पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए और वह पद्यांश है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। पहला प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए 2 अंकों के लिए। पहली आकृति है गांव का देखना और दूसरी आकृति शहर का देखना। दूसरा प्रश्न पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पहला मेट्रो के खंभे के नीचे और है रिक्त स्थान परमेश्वर। दूसरा तिल रिक्त स्थान की जगह नहीं है। तीसरा प्रश्न प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो 2 अंकों के लिए। तीसरा विभाग है व्याकरण। पहला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए 2 अंक और वे शब्द है पीपल, रात, मौसम, जगह। दूसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए 2 अंकों के लिए। सड़कों, गिल्ली, गैया, लड़के। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए 2 अंकों के लिए और वे शब्द है चांदी, राजा, खेल, फैसला। यह हमारी प्रथम घटक कसौटी पूरी हुई। ऐसे ही और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बस एक बार बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।